अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। चलो फोटो कर लो। ओके उसके लिए तो हम प्रथम अपील भी कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, दो दो बार आयुक्त साहब से भी मिल चुके हैं, पर उसके बाद भी हमें जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही। हिंदी में अगर आवेदन दे रहे हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इंग्लिश में भी उनको देके आए कि आपको हिंदी में स्पष्ट नहीं हो रहा है तो इंग्लिश में लेटर पढ़ के आप दे दीजिए। किस गांव से आए हैं और क्या समस्या लेके पहुंचे थे यहाँ? हम ग्राम बावई से आए, सोनकर तहसील से, और हमारे गांव में हनुमान जी का पुराना मंदिर था, जो कि शासकीय भूमि पर बना हुआ था। सारे गांव के लोग वहां पर पूजा पाठ करते थे। उसी से लगा हुआ एक गांधी चबूतरा जो 1969 में बनाया गया था, उसके विधिवत दस्तावेज पंचायत में थे, परंतु पिंचा उसके पंचायत में वो आग लग जाने से वो दस्तावेज जल गए, इसलिए हम उसका उपलब्ध नहीं करा पाए। दूसरी बात ये है कि अब हम मंदिर का निर्माण भी करना चाहते हैं, वहाँ पर यज्ञशाला उस गांधी चबूतरे पे करना चाहते हैं, परंतु संबंधित पार्टी श्री बापू सिंह जाट, छिपूलाल जाट और उनका लड़का दयालाल जाट आदि लोग हम लोगों से और गांव के लोगों को दर्शन करने जाते हैं तो नंगी नंगी गालियाँ और कहते हैं कि तुमसे बने जो कर लो, मंदिर निर्माण हम नहीं करने देंगे और नाम हम गांधी चबूतरे पर करने देंगे। जब पटवारी और तहसीलदार और SDM साहब के यहाँ पर हमने आवेदन विधिवत दिया, जिसकी कल कार्यवाही सुनवाई हुई है और तहसीलदार महोदय उनको कुछ आदेश देके गए, बाकी गाँव वाले को किसी को नहीं बताया कि आपकी क्या समस्या है, और इसलिए हम आज जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के यहाँ पे उपस्थित हुए। वो क्या मंदिर के पास ही रहते हैं क्या है? मंदिर के पास लगा हुआ है। उन्होंने पूरी उनके नाम से जमीन नहीं है, उसके मकान बना हुआ, और एक 3 बिस्वा जमीन श्री राम भगवान के नाम की थी, उसको बंदोबस्त में उठा करके उन्होंने पीछे फेंक दिया, कुछ भी हुआ होगा हमें उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, परंतु हम मंदिर निर्माण करना चाहते हैं और हम गांधी चबूतरे पे हवन के लिए यज्ञशाला बनाना चाहते हैं। पूर्व में बनी हुई थी, हम उस पर यज्ञशाला बनाना चाहते हैं तो वो हमें निर्माण करने नहीं दे रहा और उस पर सीमेंट कंक्रीट कर दिया और कहता है कि तुम लोगों ने हम लोगों को पहले मना क्यों नहीं किया, तो हमने इसलिए मना नहीं किया क्योंकि तो उसने रात में कर लिया, मालूम ही नहीं पड़ा इस प्रकार की हमारी समस्या। अच्छा, वहाँ सरपंच वगैरह से चर्चा की थी आपने इस बारे? सरपंच जो अभी व्यक्तिगत रूप में है वो उससे मिला हुआ तो नहीं कह सकते उसको, और वो इस मामले में कोई रुचि नहीं ले रहा, और पटेल साहब हमारे साथ में ये जो आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम सिंह चंदन सिंह तंवर। बताएं, आप जन सुनवाई पहुंचे थे, क्या समस्या लेकर आए हैं? जन सुनवाई में मैं आज कलेक्टर साहब को आवेदन देने आई थी कि जो नगर निगम में सूचना का अधिकार है उसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी नहीं जा रही है। जो भी फाइल हम लोग मांगते हैं, जिस भी भ्रष्टाचार जो फाइल में हमें लगता है कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा होगा, उस फाइल को अगर हम मांगने जाते हैं, आवेदन देते हैं, तो दो दो तीन तीन महीने तक उस आवेदन को टाला जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जानकारी स्पष्ट नहीं है या ये जानकारी हम दे नहीं सकते हैं, अपील करने के बाद भी उसमें हमें दो दो तीन तीन महीने तक जानकारी नहीं मिल पा रही है। उसी विषय में आज कलेक्टर साहब के पास मैं आई थी और हिंदी में वो जो जानकारी उन्हें स्पष्ट नहीं थी तो वो इंग्लिश में भी मैंने वो आवेदन बना के उनको दिए हैं कि अगर हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो आप इंग्लिश में समझ के उसकी हमें जानकारी उपलब्ध करा दें, परंतु जो नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी हैं वो हमें उपलब्ध नहीं करा रहे। क्या कारण लगता है इसके विषय आपको? वही भ्रष्टाचार ही है, जो भी घोटाले इन्होंने करे हैं, कायाकल्प में आप देख लें, NULM में देख लें आप, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, रसोई आप देख लें, दीनदयाल रसोई में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसी की फाइलें हमने मांगी हैं और वही फाइल ये दबा के बैठे हैं, अभी तक देने का नाम नहीं ले रहे। निगम आयुक्त से कभी चर्चा हुई आपकी इस विषय में? निगम आयुक्त जी से भी हम एक बार मिले हैं, उनको भी आवेदन दिया था, पर उसके विषय में उन्होंने बोला ठीक है मैं करता हूँ, पर अभी तक कुछ ऐसा हमें लग नहीं रहा है कि उन्होंने कुछ कार्रवाई करी होगी। अभी कलेक्टर साहब ने क्या कुछ कलेक्टर साहब ने कहा तो है कि ठीक है मैं उन लोगों को बोल देता हूँ, एक बार उनको रिमाइंडर करा देता हूँ अगर वो उपलब्ध कराए तो। आपका परिचय? साधना प्रजापति, प्रदेश संगठन मंत्री देवास। पैसे के लिए? क्या नाम है आपका? राधेश्याम चौहान। कहाँ रहते हो? विकास नगर। क्या हुआ आपके साथ?
मेरे साथ में एटीएम चेंज कर लिया, पैसे निकाल लिए, कितने राशि निकाली है? 80,000 रुपये। 80,000। और कहाँ किस एटीएम पे गए थे आप? मैं पंजाब नेशनल विकास नगर। तो वहाँ पे कोई खड़ा था क्या? हुआ आपके साथ, हुआ क्या था वहाँ? थोड़े जन आए थे, बोले अंकल पैसे निकले, मैंने नहीं निकल रहे हैं, तो मैंने बोला बोला हम निकाल देते हैं, ठीक है ठीक है, तो एटीएम चेंज करके ले जाए। एटीएम बदल के आपको का पिन देख लिए? हाँ। तो अभी कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? मैंने बौड़े था पूरी थाने में करी, तो बाकी दो तीन बार करी, बाकी अभी साहब कलेक्टर साहब से मिले, क्या बोला उन्होंने? यार बोला बोले दे दो, बोले आपने वहाँ बैंक से संपर्क किया, सीसीटीवी वगैरह कुछ देखे? हाँ, बैंक में मैं फोटो देख के, फोटो भी आ गई थी उसमें सर, 26 तारीख का था, 26/9 का, 28 फोटो का सर सब आ गई। हाँ। और फिर मैं गांव चला गया, 2 तारीख का आया था, 2 तारीख का कागज भी देखे मैंने। कब की घटना है ये? 26/9 की है। ठीक है, क्या नाम है आपका? राजेश चौहान। बताए कहाँ से आप आए, क्या समस्या लेके आए हैं? सर मेरा नाम सतीश पांडे है, मैं अम्बेनगर से आया हूँ। सर मेरा पानी का बिल दिया है नगर निगम ने, जो कि अवैध है, ना तो मेरा वहाँ पे पानी का कनेक्शन है, ना मेरा प्रॉपर्टी, ना ब्लॉक, ना अपना प्लॉट है, ना ही मेरा मकान है वहाँ पे। लेकिन मैं सर पिछले 4 महीने से परेशान हुआ हूँ, नगर निगम वाले इसको करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए मैं कलेक्टर ऑफिस में आया हूँ। किसके नाम से है फिर वो कनेक्शन वहाँ पे? वहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है सर, कनेक्शन नहीं है उस मकान पे, कनेक्शन ही नहीं है। हाँ। और मेरी तो प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, जिस नंबर से हमने वो जो मकान नंबर से हमने जो कनेक्शन दिया है जी, पहली बात तो वहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरी बात उस मकान में कनेक्शन ही नहीं है और वहाँ का बिल आ रहा है। तो आपने इसकी शिकायत नगर निगम में करी थी? नगर निगम में पिछले 4 महीने से परेशान हूँ सर मैं, और वहाँ आयुक्त साहब के पास भी गया था, महापौर साहब के उनके जनसुन में गया था, लेकिन वहाँ पे भी कुछ निराकरण नहीं हो पाया। क्या किसी और का नल कनेक्शन आपके नाम पे जड़ा हुआ है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आप बिल आपके नाम से आ रहा है, प्लस जहाँ का बिल आ रहा है वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी नहीं है और बेबुनियाद, मतलब वहाँ पे कनेक्शन भी नहीं है, तक भी नहीं है सर वहाँ पे, बोरवेल लगा है उस मकान में। आपका जवाब बनाया जा रहा है बिल बनने का? नहीं सर, मेरा एक नामांतरण करवाना है, मैंने एक मकान लिया है, नामांतरण करवाना है, तो वो दवा बना रहे कि तुम्हारा नोटिस जा रहा है, इसको भरो तभी आपका नामांतरण होगा। अच्छा, आपने अधिकारियों से बात करी, आयुक्तों से बात करी, महापौर से बात करी, क्या कहना पड़ रहा है इनका? वो बोल रहे हैं कि हम ठीक, हम करवाते हैं, इसका सर्वे करवाएंगे, इसका निरीक्षण करवाएंगे, वहाँ से भी रिपोर्ट करवा दिया, अपने वहाँ से पंचनामा भी करवा दिया, लेकिन यहाँ लोग से ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, सबसे परेशान हो रहे हैं सर पिछले 4 से 5 महीने। कहाँ पे है ये कनेक्शन? ये मकान नंबर 33 गणेशपुरी बालगढ़, ये वहाँ पे कनेक्शन है, कनेक्शन ही नहीं है उस मकान। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं अंबेनगर बालगढ़ रहता हूँ। चलिए, अभी कलेक्टर साहब से आप मिले, क्या कुछ बोला उन्होंने? सर ने बोला कि आपका आवेदन ठीक है, वो मैडम बैठे हैं, इंदू मैडम, बोले आपको उनको दीजिए, उनको बताया था, बोले आप ठीक है, आप ही जमा कर होते हैं। आपका नाम एक बार जी? आपका नाम? सतीश पांडे।